नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के प्रमुख अपडेट के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था आज कि आपका यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक 2019 परीक्षा का परिणाम यहाँ पर जारी होने वाला है, शाम को जारी हो जाएगा। तो आपका ये परिणाम जारी कर दिया गया है। 1403 पदों पर ये आपका विज्ञापन आया था और यहाँ पर जो है अगर हम पद की बात करेंगे तो 661 पद ईडब्ल्यूएस के, 128 अनुसूचित जाति के, 255 जनजाति के, 29 अन्य पिछड़ा वर्ग के 329 पद यहाँ पर हुए थे निर्धारित। और यहाँ पर 1402 पदों के सापेक्ष 1381 लोगों को यहाँ पर नौकरी दिया गया है। यूआर के 651, आर्थिक रूप से कमजोर 126, जनजाति के यहाँ पर 251, अनुसूचित जाति के 29 और अन्य पिछड़ा के 324 का परिणाम यहाँ पर जारी किया गया। बाकी यहाँ पर अन्य बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और ये आपका ये पूरा इसका परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया। इसको यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किस किसका सिलेक्शन हुआ है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक, आपको बहुत बहुत जो है कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, ठीक है। आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ते रहें इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए यूआर का कट ऑफ 75 गया, जैसा कि हमने आपको बता दें कि 75 से 76 आपका जाएगा कट ऑफ, तो वही यहाँ पर आपका गया। और लिखित परीक्षा में जो 47.89 यहाँ पर आपका है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर फाइनल जो आपका है 72 गया है EWS का और यहाँ पर 42 था। अनुसूचित जाति का 70, यहाँ पर आपका ये 42 है, ये आपका लिखित परीक्षा का है, ठीक है। जनजाति का 62 और अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 74। तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग और युवा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक तरीके से एक नंबर का अंतर है। और EWS का जो है वही ये 75 है तो ये आपका 72 है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपका 36 आरक्षण वगैरह यहाँ पर आपका है तो वो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। और महिला का भी आपका गया है 75.8220, ये करके आपका दिया गया है यहाँ पर महिला का, ठीक है। आपका पूरा ये परिणाम जारी कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। तो जो भी अपडेट एकदम ऑफिशियल होता है वो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।